దాస శ్రీజీవ వికృత మందమతి హృదయాంగరా తమాది దేవం కరుణానిదానం తమాలవర్ణం శ్రుయితావతారం అపార సంసార సముద్ర సేతుం భజామే భాగవతం స్వరూపం జంగ ప్రవజంతమనుపేతమపేతకృతం ద్వైపాయన విరహకాతకావ పుత్రేతి తన్మయతయాకరవోనేదుం స్తం సర్వభూతహృదయం మునిమానత్వస్మి నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదిరయే శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద బోల హరి కృష్ణ 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 హరి రామ హరి రామ 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 హరి బోల హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ హరి రామ 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 హరి హరి బలసీ వృందావన విహారీ లాల్ కీ జై 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 శ్రీ శ్రీ రాధే హరే కృష్ణ. ఈ జో ఆవాజ్ హో రే నా జ్యాదా సునాయి పడ రా నా सर्वप्रथम हाँ ज्यादा आवाज हो रही ना, इसको पीछे करके लगा दे पीछे तभी ठीक है, यहाँ से ज्यादा आवाज है, ये उधर पीछे कर दे तो बढ़िया रहेगा दोनों की आवाज, कल कर दीजिएगा इसको, आवाज बहुत आ रही है यहाँ बोलने में सुनाई नहीं पड़ रहा है महाराज जी को, आप बंद कर दीजिए नहीं तो पीछे वाला चल रहा है ना, पीछे चल रहा है ना, हाँ कल ये दोनों को ही पीछे कर देना, इसका आवाज कम करो, हाँ ठीक ठीक है. हरे कृष्ण. सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म నితలీలా ప్రవిష్ణు విష్ణుపాద అష్టోతర శతశ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి శ్రీరూ సిద్ధార్థ గోస్వామి మహారాజ్కి చరణ కమలమే అనంత కోటి సాష్టాంగ దండవత్ ప్రణామ కర్తాం. తత్పశ్చాత్ మరి శిఖ్యా గురుపాద పద్మ నితలీలా ప్రవిష్ణు విష్ణుపాద అష్టోతర శతశ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి వేదాంత శ్రీల నారాయణ గోస్వామి మహారాజ్కి చరణ సరోజమే శ్రద్ధా పుష్పాంజలి అర్పణ కర్తాం. ఉపస్థిత్ వైష్ణవ వైష్ణవీ మాతా పితాయ భాయి బహన్ సభీకో మే యథాయోగ్య ప్రణామ కర్తాం. గతకల్ హమ్లోక్ శ్రవణ కర్ రహే థే సౌనతాది ఋషియో నే సుత్త గోస్వామి కో ఛే ప్రశ్న కీ థీ, హమ్లోక్ నే దూసరా ప్రశ్న శ్రవణ కర్ రహే థే. కలియుగ్ మే भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, इसकी उत्तर में श्री सुत गोस्वामी ने बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकोत भयम् योगिनाम नृप निर्णित हरे नामानुकीर्तनम. बोले हे सौनकाद ऋषियों, जितने बड़े बड़े ऋषि लोग हुए हैं, जितने वेद पुराण उपनिषद हुए हैं और जितने मुक्त महापुरुष लोग हुए हैं, सबके सब एक ही बात बताए, कलयुग में भगवान को पाने का केवल एक उपाय है हरि नामानुकीर्तनम, हरि का नाम कीर्तन करना चाहिए है? इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर हम ये हरि नाम कीर्तन करेंगे हमें 7 लाभ होगा. कितना लाभ होगा, कितना होगा मैं कल सबको पूछूंगा सुनूंगा,
कि जो बच्चे सब हैं ये तीनों तीनों बच्चों को पूछूंगा पहले, ठीक है। तीनों लड़कियां बैठी हैं और पीछे जो बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अभी ध्यान लगा कर सुना, इधर उधर भागना नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं बोले चेत दर्पण मालनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्री का वितरणम विद्याबधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। बोले कृष्ण कीर्तन के द्वारा क्या लाभ, कितना लाभ होगा? कहते सात लाभ। बोले पहला लाभ क्या है? बोले चित्त रूपी जो दर्पण है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि जन्म जन्मांतर से प्रभु से हम बिछड़ते हुए ये 84 लाख जन्म हम भटक रहे हैं। हर जीवन में कितने कितने कुकर्म करते हैं, इसलिए जन्म जन्मांतर से वो शीशा के ऊपर में मैला जम गया है। अगर कपड़े में मैला जम जाए हम तो साबुन सर्फ से साफ कर देंगे, लेकिन हृदय के ऊपर में जो मैला पड़ा हुआ वो कैसे साफ होगी? बोले भगवान की कीर्तन से। जो जितने ठाकुर जी का नाम कीर्तन करेगा उसका हृदय इतना जल्दी साफ हो जाएगा। कहती ये पहला फल है। बोले दूसरा फल क्या है? बोले भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये संसार को बताया ये दावा न ले। अगर कहीं साधारण जगह में आग लग जाए ना, हम फायर ब्रिगेड से बुझा देंगे। अगर जंगल में आग लग जाए फिर वो कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं करता है, हैं? अगर घना घोर बारिश हो, तेज बारिश हो, फिर तो जाकर के वो आग बुझेगी। कहते अगर उसी तरह हम जो जन्म जन्मांतर से ये जो दुख कष्ट को हम भोग कर रहे हैं, कहते ये कैसे ये आग बुझेगी, हैं? ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि हम सवेरे श्रवण कर रहे थे, ये संसार में आने पर हमें 7 तरह का दुख हमें भोगना पड़ेगा, सबको भोगना ही है, हैं? पहला नंबर है जन्म, दूसरा नंबर है बुढ़ापा। भले ही जितने चवन प्रास खा लो, भले ही जितने जीव चले जाओ, स्वर्ण भस्म खा लो, लेकिन ये बुढ़ापा किसी को नहीं छोड़ेगा। और जीवन में ये बुढ़ापा जीवन का सबसे ज्यादा थी देखना, जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं ना, बिस्तरा के ऊपर लेट होगी और मृत्यु नहीं होता है, सारा घर वाले सोचता है कब मरे कब मरे, अभी भी ये मर नहीं रहा है, हैं? ये बूढ़ा बूढ़ी अभी सब मृत्यु का कामना उसको सोचते हैं। इसलिए सबको एक दिन बुढ़ापा बनना पड़ेगा और सबको एक दिन मरना पड़ेगा। कोई नहीं बोल सकते मैं मरूंगा नहीं, सबको एक दिन मरना है। और तरह तरह का जो व्याधि, तरह तरह का बीमारी और आध्यात्मिक ये जो मानसिक कष्ट, देवताओं को द्वारा दिया हुआ कष्ट, ये सबको भोगना पड़ेगा। यदि ये सारे दुख से अगर निकलना चाहते हो क्या करनी चाहिए? महाप्रभु कहते हैं, एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरि कीर्तन से तुम्हारी जीवन का सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएगी। बोले तीसरा लाभ क्या है? बोले श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। उदाहरण दिया कि जो चंद्रमा है ये हृदय कैसे एक कुमुदिनी, रात में एक फूल खिलती है, इसका नाम लिली फूल कहते हैं कि रात खिलती है, और दिन में सूर्य का किरण से यदि ये कमल का फूल खिलती है। उदाहरण दिया हमारा हृदय कैसे, ये है एक कुमुदनी, लेकिन भगवान के नाम कैसे, उसका किरण कैसे, कदिए है कदिए भगवान के नाम है। कहते भगवान के नाम रूपी किरण जब तुम्हारी हृदय रूपी फूल को भर में गिरेगा क्या होगा? तुम्हारा हृदय खिल जाएगा। मतलब क्या है? तो तुम्हारा जीवन आनंद आनंदमय तुम्हारी जीवन हो जाएगा।
जीवन तुम्हारी प्रसन्न भरा जीवन हो जाएगा भगवान की नाम कीर्तन के द्वारा। कहते इसका चौथा लाभ क्या है, बोले विद्या बधो जीवनम। उदाहरण दिया, जो विद्या है ये एक बहु है, ये विद्या रूपी बहु का जीवन स्वरूप क्या है, बोले ठाकुर जी का नाम है। मतलब क्या, कहते तात्पर्य है अगर हमने बहुत विद्या, कोई एमए, कोई पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर पढ़ लिया है, अगर कोई लिखाई पढ़ाई कर ली, लेकिन भगवान के नाम जप नहीं करते हैं, भगवान की भजन नहीं करते हैं, समझो वो पढ़ाई बेकार है, वो पढ़ाई तुम्हारी सब बेकार है। देखो एक छोटी सी कहानी सुनो, पीछे जो बच्चे बैठे हैं ना सब ध्यान दे कर सुनो, कल सबको मैं सब पूछा कौन क्या सुना है, ठीक है। बोले एक समय कुछ बच्चे बड़े एजुकेटेड, कोई सीए, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर था, अभी एक नाव में बैठ करके नदी पार कर रहे थे। वो नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी, जब बीच दरिया में नाव पहुंच गई, जो सीए कर रहा था वो नाव वाले से पूछा, बोले तेरे को सीए के बारे में कुछ पता है, वो क्या है, बोले सीए तो नहीं जानते हो, मतलब नाव चला करके दो पैसा रोजगार करके पेट पाला हूँ। तो जो सीए कर रहा था ना, बोले तेरे तो 25% जीवन तुम्हारी बेकार। जब नाव और थोड़ी दूर गई, जो इंजीनियरिंग कर रहा था उसने पूछा, तुमने इंजीनियर के बारे में तेरे को कुछ पता है, बोले इंजीनियर क्या होता है, नहीं जानते हो, बोले तुम्हारा तो 50% जीवन बेकार। नाव जब और थोड़ी दूर गया, जो उसमें डॉक्टर भी कर रहा था उसने पूछा, साइंस के बारे में तेरे कुछ पता है, बोले साइंस क्या होता है, बोले साइंस नहीं जानते हो, तेरे तो 75% जीवन बेकार। एकदम जो बीच दरिया में नाव पहुंच गया, इतने में नाव में एक छेद हो गई, तो अभी तो नाव में पानी घुसना शुरू किया, उसने कोशिश की बंद करने के लिए लेकिन बंद नहीं हो रहा है, देखा तो नाव डूबने वाला। उसने पूछा, तैरना आता है तुम लोगों को, बोले तैरना क्या होता है, बोले मेरा तो 75% जीवन गया था, अभी तुम्हारे 100% जीवन तुम्हारी जाएगी। और देखते देखते नाव है पानी घुसते घुसते नाव तो डूब कर गई, और जितने सीए, डॉक्टर, इंजीनियर वही खत्म, लेकिन जो केवट उसको तो तैरना आता था, छलांग लगाए और नदी पार हो गए। हाँ, ध्यान देकर सुनो, हम भी दुनिया में बहुत लिख पढ़ गए, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई साइंस पढ़ गए, लेकिन जो असली पढ़ाई ना उसमें हमारा कोई ध्यान नहीं है। भले ही जीवन में जो पढ़ना पढ़ लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब शरीर छूटेगी, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएगी, क्या बोलेंगे, क्या बोलते उस समय सुने हो, कोई नहीं बोलता तेरी इंजीनियरिंग ही सच्चा है, तेरी डॉक्टर भी सच्चा है, तेरे सीए क्या हुआ सच्चा, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले जितने तुमने पढ़ाई की, ये पढ़ाई पढ़ाई छोड़ कर जा रहे हो, वो कोई डिग्री तेरी साथ में नहीं जा रही है, इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने प्रभु का नाम जप किया तेरे साथ में वही जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे विद्या बधु जीवनम, कहती है विद्या रूपी बधु का जीवन क्या है, बोले भगवान के नाम। मतलब है तभी तुम्हारी विद्या पढ़ना सार्थकता है, अगर तुम्हारी ठाकुर जी के नाम में रुचि हो गया तो। अगर सारे दुनिया मीरा कहती है, सारा दुनिया तुमने पढ़ लिया, लेकिन प्रेम अक्षर ढाई अक्षर पढ़ा सो पंडित सो, जिसने ठाकुर का प्रेम जो ढाई अक्षर पढ़ लिया उस जगह में सबसे बड़ा पंडित वही है। इसलिए विद्या जीवन क्या है, भगवान की नाम है। एक बार हाथ उठा के बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, पीछे बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, जोर करके बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
साधु जीवनम बोले आनंदा बुद्धिवर्धनम। जब भगवान के नाम जप करोगे हर समय तुम्हें एक नई नई आनंद अनुभूति होगी। एक ही आनंद नहीं, लेकिन ये दुनिया में देना हर आनंद धीरे 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 घट जाएगी। पहले शादी हुई पत्नी कैसे बोले पहले तो लगी चंद्रमुखी, एक चंद्रमा आकाश में एक चंद्रमा हमारे पास, लेकिन देखना कुछ दिन बाद में वही चंद्रमुखी बन जाती है सूरजमुखी, फिर कुछ दिन बाद में ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई झगड़ा ये एक बोले वो दो, और कभी कभी इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं फिर क्या होता है फिर कोर्ट में जा करके फिर मामला मत। इसी जगत का जो प्रेम कहाँ से शुरुआत होती है तो आई लव यू पहले, कुछ दिन बाद में आई लीव यू, फिर बाद में आई किल यू, लास्ट में जाकर के आई किल में जाकर जाकर जाती कोर्ट में जाकर। देखो हमारे गुरु हाई कोर्ट में काम करता है, बोले हमारे पास में जितने डाइवोर्स का सारे इतने महाराज जी आप सुनोगे तो क्या क्या केस है, कहते भारत में इतना डाइवोर्स हो गए 50% अभी जहां पर ज्यादा पैसा घर में उसी घर में ज्यादा गड़बड़ी है। इसलिए कहते ये जगत में हर चीज का आनंद देखना वो धीरे धीरे घटती जाती है। पहले एक रसगुल्ला खाओ कैसे, बोले बढ़िया मीठा है, और एक रसगुल्ला खाओ कैसे, हाँ अच्छा है, बोले और एक खाओ हाँ ठीक है, बोले और, बोले नहीं नहीं अगर जोर से खा लिया ना बोले और एक, बोले उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगा और नहीं है। कोई बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा आया पहला बार देखा कैसे लगता है, अरे क्या गजब की सिनेमा बने यार, हाँ क्या एक्टर है। दो बार देख लिया बोले हाँ ठीक है, तीसरा बार ठीक, चौथा बार बोला और नहीं, अगर देख लिया ना पंचम बार तो देख नहीं सकते, देख नहीं सकते। कहीं बेटा खो गया पागल पागल होकर ढूंढते बेटा कहाँ, मेरी बेटा कहाँ पागल, अगर 8-10 दिन बाद में आ गए ना उसको गोद में तो कहाँ चला गया था, तो कहाँ चला गया था, बारम्बार उसको गोद में भरेगा तो कहाँ चला गया, दो चार बार जाओ खेलो अंदर। आप इस दुनिया में कोई भी चीज को देख लेना जो आनंद है ना वो धीरे 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 वो आनंद घटते आएगा, कोई भी चीज को देखो कोई भी चीज को। लेकिन कहते भगवान की भक्ति ऐसे नहीं, संत लोगों को देखना सारा दिन भगवान के नाम की माला लेकर की 24 घंटा। हमारे संप्रदाय में कोई कोई संत तो दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते। हनुमान जी को देखो दिन भर क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। माइक वाला ठीक कर लिया करो, गड़बड़ी करता है। प्रभु जो पहले चला रहा था ना उसको बुला दो, वो पूरा के पूरा पैसा ले रहा है, ये पूरा पैसा लेगा, आधा पैसा का माइक वाला पूरा पैसा लेगा ना, फिर जो मेन व्यक्ति हो तो छोड़कर भाग जाता है, बच्चे को बैठा कर चला जाता है। उसको कल से बोलना तुमको जो तय होगा ना कथा पैसा तुमको आधा पैसा मिलेगा, उसको फोन कर बोल देना तेरे को आधा पैसा देंगे, पूरा पैसा तुमको नहीं देंगे, पैसा तो बुरा ले रहे थे। ठीक है उसको बोल देना, अभी उसको इसको ठीक से चलाना नहीं आता है, कभी हाई कभी नीचे कभी बंद कर देता, उसको बोल देना पैसा तुमको आधा मिलेगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम हरे कृष्ण। इसलिए देखना संत लोग 24 घंटा भगवान के नाम जप करते हैं। हमारे संप्रदाय में एक संत हुए हैं, देखो संत क्या कहते हैं,
बोले तुंडे तांडविनि भीतर भीतर नुते तुंडा बलिल भय करना क्रडो कड़विनि घटयते करना बुद्धे स्रीहा चेत प्रगण संग निरचयते सर्वे इंद्रियाणां कृति नो जाने जानित किम अद्भुत कृष्णेति वर्णदोय। देखो संत क्या कहते हैं, इसको बढ़ाओ थे, इसलिए वो संत कहते हैं जो कृष्ण जो दो अक्षर हैं परमात्मा ने कितना रस उसमें भर दिया है। तो ये कान से लगता है, ऐसे लगता है विधाता तो सृष्टि करना जानता ही नहीं, कि एक ही कान दे दिया ठाकुर कथा सुनने के लिए। कहते भैया उन्होंने करोड़ों करोड़ों कान हमें क्यों नहीं दे दिया। जब ठाकुर जी का नाम जीवा में प्रकट होता है, कहते भगवान ने एक जीवा क्यों दे दिया और खुद जीवा क्यों नहीं दे दिया। जब हृदय में ठाकुर जी का नाम प्रवेश करता है लगता है क्या रस की जैसे झरी बह रही है। इसलिए वो कहते हैं जो भगवान की जो भक्ति, भगवान की जो नाम, जैसे आप घर में कोई रोज कोई स्तुति करते हो, कोई ठाकुर का रोज रोज स्तुति करते हो, आपको विरक्ति लगती है। देखना एक ही स्तुति को रोज सवेरे शाम को फिर सवेरे करते हो, करते कि नहीं ठाकुर जी की, उसमें कोई अरुचि नहीं आती है। क्यों? भगवान जो आनंद स्वरूप है, भगवान रस स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है। इसलिए जितने भक्ति करो उतना आनंद 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 ही मिलता है भगवान के नाम में। इसलिए बोले प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम बोले सर्वात्म स्नपनम परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम। एक दिन ऐसे दिन आता है भक्ति कर करते संपूर्ण प्रभु की भक्ति में जीव उसमें डूब जाती है, प्रभु भक्ति में मस्ती में डूब जाती है। इसलिए कलयुग में महाप्रभु बताए सबसे सरल उपाय ठाकुर जी दिया किया है, हाथ में जो कुछ कर ठाकुर को सेवा मान कर अपना घर को मानो ये ठाकुर का दरबार है, ये भगवान ने ये घर दिया है। झाड़ू लगाओ कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो। खाना बनाओ क्यों खाना बना रहे हो, ठाकुर जी को भोग लगेगा, ठीक है ना। स्नान करते हो बड़ा साड़ी पहनते हो, बोले क्यों क्यों ये साड़ी पहन रहे हो, बोले गंदे कपड़े में ठाकुर को सेवा कैसे करेंगे, बढ़िया कपड़ा पहन कर तब करेंगे। इसलिए हर चीज को क्या करो भगवान की भक्ति में जोड़ दो, बस यही भक्ति। भक्ति और कोई बड़ी चीज नहीं है, भजन कोई बड़ी चीज नहीं, जो कुछ करते हो वही करो लेकिन उस पर ठाकुर जी की भक्ति में जोड़ दो, बस यही भक्ति हो जाएगी। और कलयुग में हाथों में काम और मुंह में क्या करो, ठाकुर जी नाम जप करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और एक बार बोल करके हरे कृष्ण जोर से मैं बोलूंगा ना आप बोलो कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्ण। बोले वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम जज ज्ञानांग मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मति भगवान ति शब्द ते। बोले भगवान एक ही भगवान है लेकिन वो एक भगवान की तीन स्वरूप और उनका तीन भक्त है। अभी आप ध्यान देकर सुनो, एक अच्छे मन से, एक मन से सुनो, एक अच्छी बात को यहाँ समझा रहे हैं। अगर ये बात को आप समझ जाओगे ना एक बहुत बड़ी चीज को समझ जाओगे। क्योंकि कोई कोई कहता रे भगवान का निराकार है, उसका तो कोई रूप नहीं गुण नहीं ज्योति है। कोई कहते नहीं वो तो परमात्मा है, उसके हृदय में एक अंगुष्ट स्वरूप में उसको ध्यान करो। कोई कहते नहीं वो तो भगवान कृष्ण बांके बिहारी,
है, राधा गोविंद है, जुगल सरकार है। अभी लोग अलग अलग बात करते हैं, अभी ये चीज को अभी समझा रहे हैं, भैया ये ब्रह्म क्या है, ये परमात्मा क्या और ये भगवान क्या, ये चीज को तरह ये चीज को समझा अच्छे तरह से दिमाग में बैठा दो, फिर तुम्हारी जो मन है ना वो एक चीज से मन रम जाएगी, फिर मन तुम्हारी इधर उधर नहीं भटकेगी। कहते वो एक ही भगवान है लेकिन उनका तीन रूप और तीन उनका भक्त है, हैं? प्रश्न है, तेज कर दो, यहाँ प्रश्न आता है क्या ये सबके सब बराबर ना सबके सब अलग है। तब उन्होंने एक अच्छे उदाहरण देकर समझाया, जैसे अभी आम का सीजन मार्केट में बड़े सुंदर दशहरी चौसा आम आया, एक राजा एक सेवक को बोला देख करके आओ, तो हमने सुना बड़े सुंदर आम मार्केट में आई। वो गया दूर से देखा, सचमुच से एकदम पीले पीले रंग के एकदम आम दिख रहा है। उसने देख करके बोले महाराज बड़े सुंदर दशहरी चौसा आम आया है, बोले देख करके आ गया। उन्होंने दूसरे सेवक को भेजा बोले तुम देख के आओ, उसने गया देखा सचमुच से पीले पीले रंग के आम, और उसको स्पर्श किया देखा ये तो पका हुआ, सूंघा बड़ा खुशबू है, वापस आ गया। बोले कैसे आम? बोले महाराज बड़ा खुशबू आम है पका हुआ आम। तीसरे सेवक को भेजा देख कर गया, उसने देखा और हाल गया तो पका हुआ, सूंघा तो बड़ा खुशबू है और तेज गर्म बड़ा खुशबू है। बोले 5 किलो आम दो, और ये 5 किलो आम को लाया ठंडा पानी में भिगवाया, उसका अमोनिया करके ठाकुर जी को तुलसी पत्ता दे करके भोग लगाया। जब उसने आम खाया ना देखा आम तो बड़ा मीठा है। राजा ने पूछा भैया आम कैसे है? बोले महाराज क्या मीठा आम है, बड़ा मीठा आम है। देखो ये चीज को समझ लो, यद्यपि आम को ये तीनों ने ही देखा, तीनों को ही मिला, लेकिन सबको क्या बराबर मिला है? नहीं मिला है। पहला बार जिसने केवल देख करके आ गया वो कौन है? बोले वो ज्ञानी, जो केवल भगवान को दूर से एक ज्योति रूप में केवल दिखता और उसको कुछ नहीं। बोले भगवान कैसे? बोले तो निराकार है, वो तो एक ज्योति है, वो तो निर्लिप्त है, वो तो अलेख है, अलेख है, केवल उसको इतना ही उसको केवल मिला, उसको आगे कुछ नहीं मिला। दूसरा व्यक्ति जो गया देखा भी स्पर्श भी किया सुना भी, वो वापस आ गया। बोले वो कौन है? बोले जोगी, जो भगवान को अपना हृदय से एक अंगुष्ट परिमाण परमात्मा को हृदय में हर समय ध्यान करता रहता है, कहते ये योगी है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञानी भ्रष्ट अधिक योगी, कहते एक ज्ञानी से ये योगी श्रेष्ठ है। लेकिन जो लास्ट में गया देखा भी सूंघा भी और खरीद करके लाया भोग लगाया और खाया, कहते ये कौन है? कहते ये भक्त है, हैं? जैसे श्री हनुमत लाल जी प्रभु जब विश्राम करते हनुमान क्या करता है? ठाकुर के चरणों को पलटते हैं। अगर प्रभु राम को कहीं जाना है वो क्या करते हैं? कंधे पर प्रभु राम को बैठा करके उड़ा कर ले जाते हैं। जैसे ब्रज की गोपियां हैं कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर कुंज बनाते हैं, ठाकुर जी को सेवा करते हैं, ठाकुर जी को आरती उतारते हैं, ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं, हैं? इसलिए पूर्ण रूप में किसको भगवान मिलते हैं? कहते पूर्ण रूप में भक्तों को ही भगवान मिलते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं बोले जोगिनाम अपि सर्वेषां मत गतेनांतरात्मना श्रद्धा भारते जो माम सम्मे युक्त तमामता। बोले हे अर्जुन ये जितने योगियों के अंदर में भी जो मेरे को भक्ति पूर्वक भजन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आप कभी नहीं सुने होंगे ज्ञानी का भगवान कोई बोलते हैं, कोई कहता है कर्मी का भगवान, कोई नहीं कहता है, कोई कहता है योगी का भगवान, ज्ञानी का किसके भगवान है? भक्त का भगवान है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम।
श्री सूरदास जी हरे कृष्ण क्यों उसमें हाथ लगा तो इसलिए श्री सूरदास जी बड़े सुंदर एक भजन गाया है। वो भजन है कहते सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो बड़ा सुंदर भजन सूरदास प्रभु जी अभी गाएंगे हम लोग सुनेंगे। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे सबसे ऊंचे प्रेम सगाई और सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई ओ दुर्योधन की मैं बात त्यागी दुर्योधन दुर्योधन की मैं बात त्यागी दुर्योधन की मैं बात त्यागी साग मित्र घर आई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई ओ ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसे प्रीत बड़ी ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियों ने नाच नचाई हो गोपियों ने नाच नचाई रहे सबसे ओ सबसे ऊंचे प्रेम सगाई और सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई ओ ऐसी प्रीत कर मन मोहन सबसे ऊंचे प्रेम सगाई और प्रेम की बसेर पे सेवा की थे प्रेम के बसेर पे सेवा की थे प्रेम की बसेर पे सेवा की थे प्रेम के बसेर पे सेवा सबसे ऊंचे प्रेम सगाई झूठे फल सबरी के खाए झूठे फल सबरी के खाए झूठे फल सबरी के खाए झूठे फल सबरी आए
से सूरदास ने कितना सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया। बोले सबसे ऊंची मतलब है जगत में बहुत तरह का बंधन है, ज्ञान का बंधन है, कर्म का बंधन है, जो का बंधन है, लेकिन ठाकुर जी प्रेम से जितना बंध जाते हैं ना, और किसी से दुनिया में और किसी चीज में इतना नहीं बंधते। इसी संसार में देखना, एक व्यक्ति कब सुसाइड करता है, जब देखता है सारा दुनिया से नफरत होगी, पत्नी भी नफरत करती, बच्चे भी नफरत करती है, परिवार भी नफरत, लास्ट में क्या करता है, तो सुसाइड करता है। इसी जगत में भी सब चीज सब व्यक्ति क्या चाहते, प्रेम ही चाहते, सारा दुनिया प्रेम की भूखे, सारे दुनिया ठाकुर भी प्रेम के ही भूखे हैं। ठाकुर जी वो उदाहरण देते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान प्रेम में बसीभूत होकर क्या नहीं गया, कहां भगवान है। लेकिन जब महाभारत युद्ध हो रहा था, ठाकुर ने कौन सा काम किया, सारथी का काम किया, इतने छोटा काम किया है,
वो छोटे जाति के लोग कहते हैं, लेकिन ठाकुर जी उसको दिया। जब रास हुआ, यज्ञियां हो रही थी, सबके सब बड़े बड़े तो सेवा को छांट लिए, लेकिन अभी सबसे दो घटिया सेवा रहेगी, खाने के बाद झूठा पतला कौन उठाएगा, और ब्राह्मण लोग आए तो उनकी चरण को कौन धोएगा। अभी ये छोटी सेवा कौन ग्रहण करेगा। कृष्ण बोले ये दो सेवा मेरे को दे दो, मैं पहले ही सोच लिया था कि ये दो सेवा मैं ही करूंगा। हैं ठाकुर जी प्रेम में बसुत होकर के जब भगवान राम सबरी को घर में आए, सबरी क्या कर रही थी, पहले तो बेर को खा रही थी, जो खट्टा बेर को फेंक रही थी और झूठे बेर को ठाकुर को खिला रही थी, और भगवान खा खा कर इतने खुश हो रहे थे। बोले सबरी, वैकुंठ में मेरी लक्ष्मियां मेरी की बड़ी सेवा करती हैं, लेकिन आज तेरे झूठे बेर में जो स्वाद आया ना, वैकुंठ में छापा न भोग, छत्रीसी व्यंजन में भी ये आनंद हमें नहीं मिलता, ये स्वाद नहीं मिला है हमें। हैं अगर कभी गोपियां कहते कन्हैया तेरे को हम लड्डू देंगे, नहीं तो मक्खन मिश्री देंगे, थोड़ा नाच करके दिखाओगे। भगवान क्या करते हैं, ठाकुर जी ठुमो ठुमो करके नाचना शुरू कर देते हैं। हैं गोपियों ने नाच नचाई, और उन्होंने लास्ट में जो उदाहरण देते गजब, कहते दुर्योधन का एक सेवक था जिसका नाम था हरनाई, इसका रोज का काम था दुर्योधन को तेल लगाना, मालिश करना और उसको स्नान कराना। लेकिन वो दूसरे तरफ में वो बहुत बड़े संत से भी, कोई घर में साधु आ जाए ना वो बड़ी सेवा करता था। अभी क्या हुआ, जिस समय में वो जाएगा दुर्योधन को सेवा करने के लिए, ठीक उसी समय में घर में कुछ साधु संत आ गए। अभी तो वो बड़ा दुविधा में पड़ गया, वो अभी सोच रहे हैं मुझे क्या करनी चाहिए, अगर दुर्योधन की सेवा करने जाओ क्या होगा, ये संत सा छूटेगा, अगर संतों की सेवा करो तो क्या होगा, दुर्योधन की सेवा छूटेगी, अब क्या करनी चाहिए। सोचा ये दुष्ट का सेवा तो जिंदगी भर किया है, लेकिन संत सेवा बड़े भाग्य से मिलते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं हे अर्जुन, अगर मुझे कोई प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर मेरे भक्तों को कोई खुश कर दे, क्यों, मैं भक्तों का हृदय में ही मैं रहता हूँ, अगर मेरे भक्तों कोई खुश कर देना मैं अपने आप प्रसन्न हो जाता हूँ। उसने देखा आज संत सेवा नहीं छोड़ता, भले ही जो कुछ होना हो जाएगा। बड़े सुंदर उनने खाना बनाया और ठाकुर जी को भोग लगवाया और संतों को जिमवाया, संतों को खिलाया। लेकिन अभी ठाकुर जो चिंता लग गई, ये दुर्योधन तो महादुष्ट है, अगर ये टाइम में नहीं जाया हो सकता इसके नौकरी से निकाल देगा, हैं? नहीं तो मेरे भक्तों को कोई दंड दे सकता है। इतने में कृष्ण स्वयं उसने हर नाई का रूप ठाकुर जी धारण कर लिया और जाकर के अर्जुन को सर किए, दुर्योधन का शरीर में तेल मालिश करने शुरू कर दिया। भगवान कौन है, आनंदमय है। जब वो तेल लगा रहे थे ना, उसका तो रोम रोम खिल रहा था, हृदय प्रेम में गदगद हो रहा था, आंखों से आंसुओं की झरी बह रही थी। बोले आज तेरे हाथ में कोई जादू है ना किया, क्योंकि तुम शरीर में हाथ लगाते ही पता नहीं मेरे हृदय में इतने आनंद क्यों उमड़ रहा है। क्यों, वो कौन थे, वो कौन थे, वो स्वयं ठाकुर जी थे। वो इतना प्रसन्न हो गया, बोले जिंदगी में मुझे इतना आनंद कभी नहीं मिला। उसने किया कि उसके गले में बड़ी कीमती हार था, वो हार को उतार करके ना हरनाई की गला में दे दिया। बोले आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन पहनाया तो ठाकुर जी को, वो तो स्वयं ठाकुर जी, वो जो माला अपने आप चला गया हरनाई की गला में। अब हरनाई उसने संतों की सेवा करते हुए बड़े देर में पहुंचा, वो सोच रहा था हो ना हो ये दुर्योधन मेरे को कोई दंड देगा, ये दुष्ट है, जाकर के माफी मांगा। घर में आज साधु लोग आ गए थे, उनकी सेवा कर करके देर हो गई। बोले क्यों, तुमने इतने सेवा की है, इतना आज अच्छी सेवा की, कभी जिंदगी में भी इतना आनंद मिला नहीं। बोले नहीं, मैं आज नहीं आ पाया। बोले ओ, तेरे को मैंने इतने कीमती हार दे दिया ना आज, इसलिए तेरे अभिमान एंट रहे तू। लेकिन उसको पता नहीं गले में वो हार पड़ा हुआ। उसने किया कि वो हार को पकड़ करके ना दुर्योधन उसने खींच लिया, जब खींच लिया
हरनाई ने देखा भैया ये हार तो मेरे गले में, हार कहाँ से आ गई, गले में तो कोई हार थी नहीं, वो संत है ना, साधु है। लो आज मेरे घर में साधु लोग आए थे ना, आज मैंने ये संतों की सेवा की है, ये ठाकुर जी आज मेरे रूप धारण करते हुए इसकी चरणस की सेवा की, इसे ही कह रहा है आज मेरे को इतने आनंद आया। तब से उसने उसकी नौकरी छोड़ दिया, बोले तेरे नौकरी हमें नहीं करनी, मेरे वजह से मेरे ठाकुर जी की तेरे को सेवा करना पड़ेगा। देखो भगवान प्रेम में बसीभूत होकर के ठाकुर जी क्या नहीं करते भक्तों के लिए, सबको ठाकुर जी भक्त के लिए करते हैं। इसलिए यहाँ श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं कोई कर्म का तरफ मत जाओ, ज्ञान का तरफ में जो का तरफ नहीं जाओ, क्या करो ठाकुर जी को प्रेम करो, ठाकुर जी को भक्ति करो। भगवान भक्ति को द्वारा जितने बसीभूत होते हैं, ठाकुर जी और किसी को द्वारा भी ठाकुर जी इतने बसीभूत नहीं होते। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोले जदा जधाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान्मधनस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। ऐसे जो भगवान कृष्ण है, प्रभु जी युग युग में अवतीर्ण होते हैं और भक्तों को रक्षा करते हैं और दुष्टों को विनाश करते हैं। यहाँ पर भगवान की 26 अवतार की कथा यहाँ पर आई। भगवान का जो पहला अवतार है, भगवान चतुस्वरूप में ठाकुर जी आए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये सृष्टि का सबसे पहला सृष्टि है। जब भगवान ब्रह्मा जी को आदेश दिया ये सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ, उन्होंने पहले ये 4 संतान को सृष्टि की और इनको आदेश दिया ये सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ। ठाकुर का निर्देश है धीरे धीरे आगे सृष्टि बढ़ते। चतुसन ने मना कर दिया, नहीं हम ये घर गृहस्थ में फंसेंगे नहीं, ये घर गृहस्थी बड़ा दुख में है। बोले घर गृहस्थ नहीं करोगे, बोले नहीं, बोले अभिशाप देता हूँ। जैसे इतने छोटे छोटे है ना, हाँ ये चतुसन हर समय 5 उम्र से ज्यादा इनका उम्र बढ़ती नहीं, हर समय 5 के। बोले तुम्हें अभिशाप देता हूँ, तुम्हारी उम्र 5 से कभी ज्यादा ही होगी, संसार नहीं करोगे ना, इसे 5 में ही रहो। वो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले क्यों प्रसन्न हो गए, कारण क्या? अब देखना जितना बोझ है ना जो बड़े हैं, छोटों का कोई चिंता ही नहीं, मस्ती से खेलते कूदते रहते हैं। बच्चों का कोई कमाने का खिलाने का कोई चिंता है, कुछ भी नहीं, वो मस्ती होकर खेलते कूदते रहते हैं। अब जो घर के बड़े होते हैं सारे दायित्व उनको बने, पर बहुत अच्छा हो गया, बड़ा नहीं बननी चाहिए, छोटे बनकर रहनी चाहिए। भगवान की जो दूसरा अवतार है, कभी प्रभु जी बराह रूप में आए। जिस समय ब्रह्मा जी मनु महाराज राजी हुए संसार करने के लिए, इसलिए बोले भैया सृष्टि को तो कहाँ पर करूँ, ये तो कुछ है ही नहीं पृथ्वी। इतने में ब्रह्मा जी छींके तो उनकी नासिका से एक मकर जैसे प्राणी सृष्टि हुई, और देखते 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 उन्होंने विशाल रूप धारण किया। कौन है? बोले भगवान श्री बराह भगवान। उन्होंने पानी में छलांग लगाई और पृथ्वी को अपना दंत अग्र में पृथ्वी को लेकर उन्होंने लाए और धुरी पर उन्होंने स्थापन की। मनु महाराज ये सृष्टि का क्रम को धीरे 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 आगे बढ़ाए। इसलिए मनु महाराज हुए हैं, इसलिए हमें मानव कहलाते हैं। कहते भगवान की जो तीसरा अवतार है, कहते श्री नारद जी के रूप में ठाकुर जी आए। आप सब नारद जी का नाम सुनते हो, लेकिन जगत में ना नारद का बड़ा बदनामी है। हम कहते तो क्या नारद जी का काम कर रहे हैं, मतलब क्या तो क्या झगड़ा लगाते हैं? अगर कहीं झगड़ा नहीं लगाए ना, नारद मुझे झगड़ा लगा दे। देखो एक समय 2 पति पत्नी थे, लेकिन इनके अंदर में कभी भी झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं। लेकिन आप देखना पति पत्नी में थोड़ी बहुत थोड़ा
बहुत होता है, हैं? जहाँ दो कलसी रहे ना थोड़ी कभी ठनबन होती है, लेकिन ये दो पत्नी थे, कभी भी इनके अंदर में झगड़ा कभी झगड़ा नहीं हो। नारद जी पहुंच गए, बोले झगड़ा कैसे होता है, नहीं मैं दिखाता हूँ कैसे झगड़ा नहीं होता है। उसने जाकर के उसको पति को पास में मिला, बोले जानते हो तू पहले जन्म में राजा था, लेकिन तुम्हारी जो पत्नी है ना ये पहले जन्म में ये कुटिया थी। बोले क्या कुतिया थी? बोले हाँ। बोले आप कैसे बता रहे हो? बोले देखना रात में हैं, रात में तुम जो सो जाता है ना, देखना तुम्हारी पत्नी आकर के जैसे कुतिया जैसे चाटती है ना, वो तुम्हारी प्यारों को चाटती रहती है। तो प्यारों को चाटती है तुम जो सो जाते हो, कि पूर्व जन्म में कुतिया थी ना, पति को भड़का दिए। इतने में उन्होंने पत्नी को पास में अलग गया, पत्नी के पास में जाकर के बोले जानते हो तू पूर्व जन्म में रानी थी, लेकिन जानते हो तेरा पति कौन है, पहले पूर्व जन्म में ये गधा था और पीठ के ऊपर में नमक ढोता था। बोले क्या मैं पहले रानी थी, मेरा पति नमक उड़ाता था? बोले हाँ। बोले प्रमाण किया? बोले प्रमाण किया, देखना है, देखा तुमने उसका प्यार को चाट करके देखना, अभी भी उसको शरीर में नमकीन नमकीन अभी उसका शरीर से नमकीन नमकीन अभी भी लगता है, चाट करके देख लेना। बोले ठीक है, उसको पति को तो भड़का दिया ना, हैं? ये पहले कुतिया थी। बोले आज मैं प्रमाण करके देखूंगा, उसने तो सोया लेकिन सोया नहीं, झूठ मुठ का बहाना बना कर सोया, क्या सचमुच से यही से है? इतने में ही उसको पत्नी को उसने भड़का दी। बोले पहले गधा था, पीछे में नमक ढोता था, प्यार चाट कर देखना नमकीन नमकीन अभी भी लगता है उसका सचमुच से। रात में जब पत्नी को पता चला उसने सो गया, उसने जाकर प्यार को चाटा, अब देखना शरीर को चाटा था नमकीन तो लगेगा। इतने में वो पति सोया नहीं, वो तो जगा हुआ था। बोले हाँ ये सचमुच से बताया था, ये पूर्व जन्म में कुतिया थी है, इसलिए सचमुच से तू प्यार चाट रही हो। और उसको पत्नी ने कहा सचमुच से तू पहले जन्म में गधा था, क्योंकि तुमने पीठ के ऊपर में नमक गढ़ता था, अभी दोनों में लड़ाई। इसलिए कभी कभी नारद जी के ऊपर में दोषारोप करते, क्या करते ये इसने लड़ाई झगड़ा लगाते हैं, लेकिन नारद जो है ना वो परम भक्त है श्री नारद जी। कहते नारद जी के बगैर देखना कोई भी ठाकुर जी की लीला नहीं होती। रामायण देखो, भागवत देखो, इसका जो मूल है श्री नारद जी, विशेष करके नारद जी के चार चेले हुए हैं, दो बालक हुए और जो वृद्ध हुए। बोले दो बालक कौन हुए? एक ध्रुव और एक प्रह्लाद। नारद जी की ऐसे कृपा रही, 5 साल उम्र में उन्होंने प्रभु का दर्शन कर दिया। कथा सुनेंगे आगे, ध्रुव जी केवल 6 महीना में तपस्या करते हुए ठाकुर को दर्शन किया, और प्रह्लाद महाराज केवल 5 साल उम्र में उसने ठाकुर जी को खंभे से प्रकट कर दिया। इनके दो बालक, बोले दो इनका वृद्ध चले हुए, प्रसाद बढ़ा सकते, इनके दो वृद्ध चले हुए, बोले कौन कौन? एक व्यास और एक हुए श्री वाल्मीकि। वाल्मीकि पहले 10 रत्नाकर था, इतने ब्राह्मणों को उसने हत्या की, उनके जन्म से उसने कुआ भर दिया था। एक दिन नारद जी मिले, बोले बाबा निकाल तेरे पास में क्या माल है? बोले भैया हम तो साधु है, मेरे पास में बोले 3 चीज है, लोटे सोटे और लंगोटे। बोले जो कुछ हो निकालो। नारद जी बता है, ये तू बता, तू जो ये पाप कर्म करके पैसा कमा रहे हो इसका भागीदार कौन बनेगा? बोले मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पिता माता। बोले बेटा ये संसार बड़ा स्वार्थ का संसार है, ये सारा संसार सुख का समय तेरे साथ दे रही, दुख में कोई भी तेरे साथ नहीं देगा। पूछ कर का गया पत्नी से पूछा, जब आप कर्म करके मैं जो कमाता हूँ इसकी अंशीदार तो बनोगी? बोले क्यों, ये घर का काम मेरी, बाहर का काम तेरा, मेरे को पता नहीं तू कैसे पैसा कमाते हो। पिता माता से पूछा, बोले क्यों, तेरे को जन्म दिया ना, लिखाया पढ़ाया इतना बड़ा किया, पैसा हमने कैसे कमाया ये हमें पता, तू कैसे पैसा कमाते हो हमें पता नहीं। बच्चों से पूछा, बोले क्यों लगे,
अभी तुम्हारा कर्तव्य हमको बड़ा बनाना, फिर बड़े बन करके कैसे पैसा कमाएंगे फिर हम सोचेंगे। बोले नारद तो सही बता रहे थे, वापस आया नारद जी की चरण में गिरी पड़ा, बोले बाबा मैं तो बहुत पाप किया है संसार को पालने के लिए, लेकिन ये कोई भी पाप लेने के लिए तैयारी नहीं, आप तो सही बता रहे थे, बताओ ये पाप से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। बोलो बोलो राम, बोलो बोलो। वो इतना बड़ा पापी था, उसको मुंह से राम की नाम ही नहीं निकला उसको पाप मुंह से। बोले तू बोलता था ना मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा नाम जप करो, इसलिए आप लोग मरा मरा बोलो सबके सब, बोले मरा मरा बोलो सबके सब मरा मरा, देना अपने आप राम राम हो जाता है, राम 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 अपने आप हो जाता है, इसलिए बोले उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि है ब्रह्म समाना और नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार कर सुमन मन माही। मरा मरा करते करते उन्होंने श्री रामायण को लिख दिया, प्रभु राम आने से पहले। आप लोगों ने लव कुश देखे होंगे टीवी में, स्वयं उन्होंने रामायण रचना करके श्री लव कुश को पढ़ाया, लव कुश राम दरबार में प्रभु राम को राम कथा सुनाया करते थे, इसलिए उनका एक चले हुए श्री कौन हुए श्री वाल्मीकि जिसने रामायण लिखे। उनका दूसरा चेला हुआ श्री व्यास देव जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना की। उनका दो वृद्ध चेले और दो ऐसे अनमोल ग्रंथ बनाए जो सा दुनिया के लिए एक ज्योति जैसी, जिस ग्रंथ को पढ़ करके जीव जगत का कल्याण हो रहे हैं। कहते भगवान का जो पंचमा अवतार है चौथा अवतार श्री नर नारायण ऋषि रूप में बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। आप लोग बद्री आश्रम में गए हो, बद्रीनाथ कौन कौन बद्रीनाथ गए हो हाथ उठाओ तो, बद्रीनाथ कौन कौन गए, एक दो तीन चार पांच छह, बद्रीनाथ कौन जाना चाहते हो बताओ, हाँ सबको ले जाएंगे। देखो एक समय वो जो बद्रीनाथ है ना वो मूल बद्रीनाथ नहीं है, जो मूल बद्रीनाथ सिर्फ ब्रज में काम्या बन में, जब कृष्ण जन्म नहीं हुए थे श्री नंद बाबा ने मत किया था, हाँ चार धाम दर्शन करेंगे घर में, अगर मेरा एक लाला का जन्म हो जाए हम चार धाम करेंगे, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री। हमारी हिंदू संस्कृति में सनातन धर्म में अगर कोई कहते ये चार धाम कोई कर लेना तो वो जन्म मृत्यु का चक्कर में कभी आता ही नहीं, जन्म मृत्यु से उसको निकल जाना पड़ता है। ये चार धाम की बड़ी महिमा, पहले पहले जो बड़े बूढ़ों को पूछना जब कोई चार धाम जाते थे इतना कठिन यात्रा था क्योंकि चल चल करके सबको जाना पड़ता था, पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, वो घर में बोल देते थे हमारी अंतिम क्रिया कर देना हम शायद वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इतना कठोर रास्ता था चल चल करके पेड़ को पकड़ पकड़ करके किसी तरह से जा करके दर्शन करते थे, एक धाम ही करना बड़ा कठिन था। लेकिन अभी तो सब कुछ व्यवस्था हो गई, अभी तो केवल 10 दिन अगर गाड़ी लेकर के जाओ ना 10 दिन में सब घूम घाम करके चार धाम करके घर में वापस आ जाओगे, अभी बहुत सुविधा हो गया है। अभी श्री नंदवा ने बोले हम चार धाम करने जाएंगे अगर घर में मेरा एक लाला हो जाए तो, अभी कृष्ण घर में जन्म हो गए, नंद बाबा ने सोचा चार धाम करनी चाहिए क्योंकि मैंने मनोत रखा था, अभी ब्रजवासी लोग तैयारी हुए हम सबके सब चार धाम करने जाएंगे। कृष्ण सोच रहे हैं देखो ये ब्रजवासियों को कितने भोले भाले हैं, कितने भोले भाले, चार धाम कौन है, कहती गंगा है कौन, कहते मेरी चरणा मृत मेरे चरणा से निकली है, बोले ये यमुना कौन है, बोले मेरी पत्नी है पटरानी है, बोले ये भोले बाबा कौन है, केदारनाथ कौन है, बोले ये मेरे सेवक है, कहती ये बद्रीनाथ कौन है, कहते मेरे अंश की अंश की अंश अंश श्री बद्रीनाथ, अरे मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, सारे कारणों का जो कारण मूल है कृष्ण, इसलिए रसखान कहता है बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ
के सब के कली कुंज कोटि कोटि काशी है। बोले गोपिनी के द्वार पे बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अवर्ग हम ले करे करेंगे क्या, जानकर नहीं है क्या हम श्री वृंदावन वासी है। इसलिए जो वृंदावन धाम कर लिया ना, ब्रज मंडल 84 क्रॉस जो परिक्रमा लगा ली, अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है। आप ब्रज मंडल में जाकर के देखना, पृथ्वी का ऐसे कोई तीर्थ नहीं जो कि कृष्ण राधा जी की कृपा पाने के लिए नहीं आए, सारा दुनिया आए हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा पिताजी कहाँ जा रहे हो। बोले लाला मैंने मनोति रखा था, तू जन्म लोगे ना हम चार धाम करने जाएंगे, हम चार धाम करने जा रहे हैं। बोले पिताजी ब्रज में तो चार धाम है। बोले कहाँ पर। बोले मेरे साथ में आओ ना, मैं आपको बेटा है ना, बेटा का कर्तव्य है पिता माता जब वृद्ध हो जाए उनको चार धाम कराए, ये पुत्र का कर्तव्य है। मेरे साथ में आओ, आपका एक दिन में चार धाम को घुमा करके ले आऊंगा। फिर कृष्ण उनको काम्य वन में लेकर गए, वहां पर केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और जमुनोत्री वहीं पर है। सुगंधा लक्ष्मण झूला सब कुछ श्री ब्रज मंडल में, सबके सब गंगा जमुना सरस्वती सबके सब श्री ब्रज। कृष्ण इनको लेकर गए और पिता माता को उन्होंने चार धाम करा के उन्होंने वापस ले आए। हाँ, अगर आप लोग चाहोगे ना एक दिन में ये चार धाम का दर्शन करके आ सकते हो, ये श्री वृंदावन में श्री काम्यवन में। आप लोग चलोगे, कौन चलेगा बताओ, आपके एक बार हम ले जाएंगे, ठीक है। सवेरे निकलोगे ना, शाम को फिर वापस आ जाओगे, घर में वापस आ जाओगे। इसलिए इसका नाम आदि केदार और आदि बद्री है, ये मूल है। जैसे कृष्ण सारी कारणों का कारण, जैसे भगवान कृष्ण कहते उनका धाम भी सारे कारणों का कारण श्री वृंदावन धाम है। बोले श्री वृंदावन धाम की, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहते अब सुन लो बद्रीनाथ केदारनाथ क्या है, क्यों सब हुई है। बोले एक समय श्री नारद जी इसी मरते जगत में आए, सबको घर घर में गए और सबसे पूछा कैसे ठीक ठाक हो। ऊपर तो तुम मुंडी हिलाया ठीक ठाक, लेकिन अंदर की बात पूछा, जगत में कोई भी ठीक नहीं मिले। देखा सब के सब दुखी दुखी। नारद जी पहुंचे वैकुंठ में, देखा भगवान अनंत नाग पर शयन किए हुए, मां लोग की चरण पलट रही है और सारे देवता लोग शांताकारम भुजगशयनम भगवान की स्तुति कर रहे हैं सबके देवता। इतने में श्री नारद जी बोले प्रभु आप तो जगत का मालिक हो, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है ना, देखना छोटे व्यक्ति उसको देख करके सीखते हैं, हैं? बोले प्रभु आप तो जगत का मालिक हो, आप तो जो करेंगे दुनिया तो आपको फॉलो करेगी ना। बोले नारद जी स्पष्ट रूप में बताओ क्या बोलना चाहते हो। बोले प्रभु जी हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, मतलब भगवान से विमुख होकर के जगत में किसी को भी शांति नहीं मिली जगत में, हैं? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वो सात उदाहरण देकर समझाते हैं। कहते अगर कोई बोले रेती को पीस पीस करके मैंने तेल निकाल दी, रेती पीसने पर तेल निकलेगा, रेती को कैसे तेल निकले। वो कहते हैं अगर कोई बोले रेती को पीस पीस कर तेल निकाल दिया मैं उसको मान सकता हूँ। अगर कोई बोले पानी को मंथन करते करते मैंने घी निकाल दी, पानी से घी निकलेगी नहीं, बोले ये भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले आकाश में फूल खिल गया, आकाश में कोई फूल खिलता है, बोले ये भी मैं मान सकता हूँ। अगर कोई बोले बांझ का बेटा हो गया ये असंभव, बोले इसको भी मैं मान सकता हूँ। अगर कोई बोले खरगोश के पीठ के ऊपर में बाल आ गया है, बोले ये भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले खरगोश का सींग आ गया, कोई बोले बर्फ के ऊपर में आग जल रही है। उन्होंने सात उदाहरण देकर समझाया ये कभी असंभव संभव हो सकता है।
अगर ये दुनिया में कोई कहते हैं अरे मैं भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करता हूं, मैं भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करता हूं, हम तो आनंद में हूं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ये असंभव है। ये स्वयं जिसने ये दुनिया बनाया वो खुद कहता है ये दुख का घर है, दुखा लयम असासतम। भगवान कहते हैं वही व्यक्ति उतना सुखी जो जितने प्रभु की भक्ति करता है, जो जितने प्रभु का भक्ति से दूर है वो उतना ही संसार में दुखी दुखी। बताओ हम कितने जगत में पैसा कमा लोगे? रावण से ज्यादा कोई पैसा कमा सकता है? जिनका लंका ही सोने की सोने ही लंका है, पत्नी जैसे मंदोदरी जैसे, बेटा मेघनाथ जैसे, लेकिन तभी वो सोने की लंका में भी चैन नहीं रह सका, वो भी बेचैन, लेकिन एक विभीषण उसमें सुख रहता था। क्यों? भगवान की भक्ति करता था। इसे नारद जी बोले प्रभु जी जब तक जीव तुम्हारी भक्ति नहीं करेगा तब तक कभी सुखी नहीं हो सकता है। बोले तो बताना क्या चाहते हो? बोले प्रभु आप तो जगत का मालिक हो, अगर आप थोड़ी सी तपस्या करोगे ना आपको देख करके फिर जीव सीख सकता है, वो भी तपस्या करेगा। भगवान बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। निकले ठाकुर जी, बोले कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए जहाँ बैठ कर तपस्या करो। उन्होंने भ्रमण कर करते बद्रीनाथ में पहुंचे, बड़ा सुगंध शिला बद्रीनाथ गए ना आप देखे होंगे, जहाँ अलका नदा कलकलनाद से बह रही है, जहाँ सरस्वती है नदी, जहाँ पर बड़ा सुंदर पर्वत है, देखना नर नारायण पर्वत वहां पर, बड़ा अपूर्व स्थान है, अभी तो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है, बड़ा सुंदर स्थान है। और वहां पर आप देखे होंगे तप्त कुंड, कौन कौन गए बद्रीनाथ? वहां पर तप्त कुंड देखे होंगे, हाँ तप्त कुंड देखे होंगे। पहले श्री शंकर जी वहीं पर रहते थे, भजन करते थे, भगवान को यह लगा भले यहीं पर रहेंगे भजन करेंगे, लेकिन यह शंकर जी का स्थान ये तो इसे छोड़ने वाले नहीं। उन्होंने कुछ काम करना पड़ा, रोज शंकर पार्वती वो तप्त कुंड में स्नान करने आते थे। इतने में ठाकुर जी क्या किया, छोटा सा बालक बन करके बर्फ ऊपर में पड़ करके रोना शुरू कर दी। पहले शंकर जा रहे थे वो समझ गए दाल में कुछ डाली है, ये बच्चा कहाँ से आएगा। पीछे पीछे माँ पार्वती आ रही थी, माता हृदय में तो वात्सल्य रहता है, उन्होंने छोटे बच्चे को देख कर गोद में उठा लिया। शंकर जी को बोले इतने छोटा बच्चा हमको दिखा नहीं, बोले पार्वती लगता है दाल में कुछ काला है, बोले इतना छोटा बच्चा रो रहा है दाल में काला है, मैं इसको घर में सुला करके आती हूँ। वो गए घर में सुला करके, दोनों आए तब तो स्नान करके जब वापस आए ना वो तो स्वयं नारायण थे, जब उनको घर में सुला दिया ना अंदर से ही कुंडी बंद कर दी। अभी शंकर पार्वती आकर दरवाजा खटखटाए और खोले ही दरवाजा, शंकर जी ने पार्वती देख लिया, उसको घर में सुलाया तो घर दखल कर लिया उसने। शंकर जी यहाँ लगा ये कौन है, देखा ये मेरे प्रभु जी है। बोले अगर प्रभु जी आपको यहीं रहने का इच्छा यहीं रहो, मैं तो केदारनाथ जा रहा हूँ। शंकर जी बद्रीनाथ छोड़ करके फिर केदारनाथ शंकर जी चले गए, और वहीं पर ठाकुर जी नर नारायण ऋषि रूप में तपस्या कर रहे हैं, दुनिया को सिखा देते हैं सबको तपस्या करनी चाहिए। और ठाकुर जी बोले देखो कलिजू का जीव इतना तपस्या कर ही नहीं सकता, कठिन साधन नहीं कर सकता। अगर कोई केदार बद्रीनाथ में आए केवल श्री बद्रीनाथ को दर्शन कर ले, मुझे दर्शन मात्र से ही मैं जो तपस्या कर रहा हूँ इसका छठवां भाग का फल उसको अपनी आप मिल जाएगी जब एक बार मुझे दर्शन कर ले। इसलिए बद्रीनाथ दर्शन करने का बड़ा पुण्य है, अगर आप जाना चाहोगे तो सबको बद्रीनाथ ले चलेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं चले तो ब्रज का बद्रीनाथ तो दर्शन करनी चाहिए। बोले श्री बद्री विशाल की, बोले श्री बद्री नारायण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब उन्होंने भगवान अवतारों का नाम को बोलते बोलते जा रहे थे, इतने में बीच में बोल दिए कि जो कृष्ण है ना ये भी एक अवतार है। लेकिन इतना बोल करके सुतो गोस्वामी तो डर गए। बोले क्यों डर गए? बोले जो कृष्ण है
ये अवतार नहीं है, ये कृष्ण कौन है? कृष्ण अवतार नहीं। बोले फिर कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण अवतारी। कृष्ण कौन है? अवतारी। अवतारी मतलब क्या है? बोले जिनसे ये सारे अवतार आते हैं, ये कृष्ण सोलह कला में परिपूर्ण है, ये कृष्ण साधारण नहीं। इसलिए उन्होंने फिर क्या की, कृष्ण के लिए एक अलग श्लोक उन्होंने बनाए। बोले इत्य चांस कला पुंस कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृढ़यंती जुगे जुगे। बोले हे सौनक आदि ऋषियों, मैंने अभी जितने अवतार का नाम ले रहा था, मत्स्य कुर्म नृसिंह बामन परशुराम, जिन जिन का नाम ले रहा था, ये कौन है? बोले कृष्ण का अंश के अंश ये। लेकिन ये कृष्ण कौन है? ये कृष्ण कौन है? बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो पूर्ण ब्रह्म है, ये कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म। इसलिए ब्रह्मा क्या कहते हैं? बोले अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज कसम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये ब्रह्मा जी कहते हैं, भैया ये ब्रजवासियों की महिमा हम क्या बताएं? ये ब्रजवासियों का महिमा तो देखो, कृष्ण कौन है? पूर्ण ब्रह्म ये सनातन है। लेकिन ये होते हुए भी कृष्ण सखाओं का सखा बन जाते हैं। अगर कभी सखाओं के साथ में खेलते हैं ना, अगर कभी कृष्ण अगर हार गए, सखा लोग तो कन्हैया घोड़ा बन, ये हमें ये माठ से भांडरी बट तक तेरे को ले जाना पड़ेगा घोड़ा बन। अगर कृष्ण कभी बोलते मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, सखा लोग कहते देखो ये कृष्ण को अलग कर दो, इससे कोई बात नहीं करना, इसको अलग कर दो, इससे कोई बात नहीं करना। कृष्ण कहते नहीं नहीं मैं घोड़ा बनूंगा, मेरे को मैं घोड़ा बनूंगा, मेरे को भैया मेरे को अकेला मत करो। वो भगवान होते हो ये भी घोड़ा बनते हैं। अगर सखाओं को कहीं मीठा फल मिल जाए ना, अगर पहले खा लेते बोले कन्हैया फल बड़ा मीठो है, बोले मेरे को नहीं दोगे? बोले नहीं, कृष्ण तो झपट करके उनका झूठन फल खाते हैं। अरे इतना मीठा फल तू अकेले खा रहा था। मैया जसदा अगर कन्हैया कभी मक्खन चोरी कर लिया तो, अगर कभी कान पकड़ ले बोले चोरे चोर चोटे तुमने मक्खन चोरी की, कृष्ण डर जाते मैया मेरे को नहीं मारे, इसलिए कृष्ण झूठ बोल देते हैं। बोले क्या कहते हैं? बोले मैया मोरी मैंने ही मखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही मखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही मखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही मखन खायो। डर में बोल देते मैया मैंने मक्खन नहीं खाई, मैया मेरे मिट्टी नहीं खाई है। इसलिए भगवान होते हुए भी मैया की प्रेम में इतने वशीभूत हो जाते हैं, अगर कभी राधा रानी मान कर लेना, कृष्ण उनका चरण में सर झुका देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते कृष्ण कौन है? बोले पूर्ण ब्रह्म सनातन है। लेकिन होते हुए भी भक्तों का प्रेम में ठाकुर जी कितने वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कहते कृष्ण कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण चंद्र। इसलिए कृष्ण गीता में विराट रूप दिखाया, आप देखे होंगे कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाया, अर्जुन देखो मैं कौन हूँ, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड सब के सब मेरे अंदर में है। इसलिए कृष्ण कहते जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे अर्जुन जब जब जगत में कोई अधर्म बढ़ने लग जाए, धर्म की हानि होने लग जाए हैं, और अधर्म बढ़ने लग जाए, मैं युग युग में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं नाश करता हूँ। इसलिए कृष्ण कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म स्वयं भगवान कृष्ण है। बोले श्री बिहारी लाल की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राम।
एक एक भजन सुन बैठा दूंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कि वृंदावन मकरंद है रस की करद रसमां दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा साम सुजा ओ मैं तो आई वृंदावन धाम ओ मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरणन में समाज 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 तेरे चरणन तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में तो आई रे वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में श्री राम मंडली आते और मंडली कीर्तन करते भय नाचते कूदते भय आते हैं। लेकिन यहाँ के लोग एक दिन दो दिन नाच के बस थक गए होंगे। अभी तो सात दिन पर और पांच दिन है, है? इसको सात दिन में वृंदावन जैसे लगते हैं जब ही जब नाचते हैं और ताली बजाते हैं गाते हैं तो वृंदावन अरे ऐसे बैठे बैठे नींद आ जाए। जब रावण कुंभकर्ण जब रावण की पत्नी जो कुंभकर्ण है जो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी है निद्रा देवी को जब रावण मार करके आ कुंभकर्ण को तो निद्रा देवी बोली कि मैं यदि आपका आपके वैकुंठ में ताला नहीं लगाया तो मेरा नाम निद्रा देवी नहीं तो कैसे ताला लगवाओगे देवी। बोले ऐसा है आपके कथा में कीर्तन में जो लोग बैठेंगे उसके सर पे जाके मैं बैठ जाऊंगे और झोंका लेते रहेंगे कथा नहीं सुनेंगे कीर्तन में ताली नहीं बजाएंगे तो वो तो वैकुंठ फिर थोड़ी जाएंगे। तो इसलिए राम जी बोले मुझे उससे कोई परवाह नहीं है मैं आधा घंटा एक घंटे बाद कीर्तन करवा दिया करूंगा तो सब निद्रा देवी भाग जाएंगे। तो इसलिए आप लोग नाचेंगे देंगे ताली बजाएंगे गाएंगे तभी तो निद्रा भागेगी ऐसे में तो निद्रा आ जाएगी। तो आइए सभी लोग नाचते कूदते भय और ताली बजाते भय गाएंगे। हमें तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में आई वृंदावन धाम किशोरी
तेरे चरणन में, समझ तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, समझ तेरे चरणन में। हमें तो हमें तो हमें तो भाई वृंदावन दास, किशोरी तेरे चरणन में Oh,
I'm gonna make it.
ईश्वर परम कृष्ण सदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम स्वर्णकादि ऋषियों ने सुतो स्वामी को प्रश्न करते हैं। जैसे यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, अब किसी व्यक्ति को निमंत्रण बना भैया हमारे घर में भागवत कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए आई। किसी व्यक्ति का अगर छोटा मोटा कोई काम हो वो क्या बोलेगा, भैया मेरे पास में कथा सुनने के लिए समय नहीं, हमारी ये बिजनेस है, ये दुकान है, ये मकान है। लेकिन श्री परीक्षित महाराज उसी समय में छोटे मोटे राजा नहीं, भारत का राजा नहीं, वो चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मतलब है ये संपूर्ण ये पृथ्वी को ऊपर में ये राज्य कर रहे थे परीक्षित महाराज। इसलिए ये पृथ्वी पहले एक ही था, ये पृथ्वी पहले एक ही था, बाद में फिर ये नौ भाग में विभक्त हो गई, लेकिन पृथ्वी पहले एक पृथ्वी थी। ये संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर में ये राज्य करते थे सारे पृथ्वी में। लेकिन उन्होंने सारी काम को त्याग दे करके सात सात दिन तक उन्होंने कथा सुनी। बोले क्यों? बोले इनको पता था कथा से ही जीव का मंगल है, कथा से ही जीव का शांति सुख मिलेगी, इसी से ही जीव को मुक्ति मिलने वाले। उन्होंने सात सात दिन तक कैसे बैठ कर कथा सुनी? बोले उसका जो वक्ता कौन है? श्री सुखदेव गोस्वामी। बोले ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? बोले परम ब्रह्म ज्ञानी। बोले संपूर्ण ब्रह्म में ये डूबे हुए व्यक्ति थे, लेकिन वो कहां कितना समय रुकते थे? बोले एक जगह पर एक गैया को दोहन करने में जितने समय लगती है वो उससे ज्यादा समय कहीं नहीं टिकते हैं। लेकिन उन्होंने 16 साल तक मुंह ही नहीं खोले, लेकिन जब उन्होंने एक बार मुंह खोला ना, सात दिन तक मुंह बंद नहीं किया। वो पूरा सात दिन ही ठाकुर जी की कथाएं सुनाते रहे सात दिन तक। बोले ये बड़ा आश्चर्य लगा है। फिर श्री व्यास देव ने ये भागवत ग्रंथ को उन्होंने रचना क्यों की, इसका क्या रहस्य है? इसलिए मैंने जो पूछा और जो नहीं पूछा, आप कृपा करके हमारे सारे प्रश्न की आप उत्तर देने की कृपा करें। जब उन्होंने प्रश्न की तब श्री उत्तर श्री सुतद गोस्वामी देते हैं। बोले द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय जुग पर जाए व्यास पराशर उद्योगी तासव्याम कलया हरे। एक श्री पराशर ऋषि थे। ये पराशर ऋषि एक दिन जमुना पार करते हुए आए थे। आप लोग मथुरा गए हो? कौन कौन मथुरा विश्राम घाट में गए? विश्राम घाट में गए होंगे। उसको पास में एक कृष्ण गंगा घाट है। श्री पराशर ऋषि वहीं पर जमुना पार करते हुए आए थे। जब वापस जा रहे थे, लेकिन हो गया था शाम। पहले जो केवट लोग नदी किनारा में रहते थे, जो आते थे उनको पार करा देते थे। इतने में केवट पार कराते कराते थक गया था, वो विश्राम कर रहा था। उनकी एक बड़ी सुंदरी एक बेटी थी जिसका नाम थी सत्यवती। वो बड़ी प्यारी बेटी थी। बोले ये सत्यवती की जन्म कहाँ से हुई? बोले मछली की पेट से।
बोले मछली पेट से कोई बच्चा जन्म लेता है? बोले जन्म कैसे हुई? बोले एक समय एक बसु परिचर बसु वो आकाश में उड़ते हुए जा रहा था, जाते जाते उसकी ब्रिजस खलित हुई। एक गंधे बिड़ी थी जो उन्होंने एक ऋषि की अभिशाप से उसने मछली बनी हुई थी, तो जब ब्रिजस खलित हुई उसने उसको पान कर ली और उसके पेट में ये हुई। वो केवट जब मछली को पकड़ा, जब उसको पेट को फाड़ा, इतना सुंदर लड़की, अद्भुत लड़की निकली। बोले इतने सुंदर लड़की, क्योंकि एक उपरिचर बसु एक गंधर्वी की अभिशाप से जो मछली बनी थी वो उसकी गर्भ से हुई, इसलिए इसका नाम पहले था मत्स्यगंधा। क्योंकि मछली पेट से जन्म हुई इसलिए शरीर से मछली की बदबू आती थी। इसलिए आप लोग सब महाभारत देखे होंगे, हैं जी, शांतनु ऋषि जिस समय उन्होंने जंगल में उन्होंने शिकार खेलने के लिए गए, उसकी शरीर से कमल फूल का खुशबू निकली। बोले क्यों? बोले श्री पराशर ऋषि की आशीर्वाद से, इसलिए इसका एक नाम हो गया तो जोजन गंधा। मतलब एक जोजन तक इसके शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती थी। अभी श्री केवट ने कहा बेटी ऋषि आए उनको यमुना नदी पार करा दो। जब यमुना नदी पार करा रही थी इतने में एक टापू आ गई, इतने में चारों तरफ में अंधकार अंधकार सा गया। ऋषि ने देखा ये कन्या को साधारण नहीं, तब उनको ऊपर अपना दिव्य दृष्टि को डालते ही डालने का साथ साथ ही उन्होंने श्री व्यास देव का जन्म दिया। अपूर्व सुंदर कृष्ण जैसे लंबे चौड़े श्याम रंग का जैसे, अभी सत्यवत शर्मिता पड़ गई। ऋषि पर अभी मेरी शादी नहीं हुई, उसका पहले से बच्चा हो गया, जगत में बड़ी बदनामी होगी। बोले बेटी चिंता मत करो, ये जो बेटा हुआ ना ये भगवान की ये सत्यावेश अवतार है, यही बेटा ही तुम्हारे खानदान को भविष्य में रक्षा करेगा और इसी से ही तेरा नाम सारा दुनिया में होगा बेटी, तो चिंता मत करो। हैं उनको उनने वरदान दिया, तेरे शरीर से जो मछली की बदबू निकलती है आज ये बदल करके तेरे शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलेगा। श्री व्यास देव जी इन्होंने पहले एक वेद था, एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में प्रकाशित किया, फिर उन्होंने उपनिषद रचना की, ब्रह्म सूत्र को, सतर पुराण को, फिर महाभारत रचना की। स्त्री और शूद्रों को वेद में अधिकार नहीं, लेकिन ये सब रचना करने का बावजूद भी उनको शांति नहीं मिल रही थी। एक ने श्री नारद जी कीर्तन करते करते वहां पर पहुंचे। बोले व्यास लगता है तेरे मन में शांति नहीं। बोले गुरु जी आप सही बता रहे हो, मैंने तो जीव कल्याण के लिए इतने ग्रंथों पर रचना की, लेकिन अंदर लगता है इससे जीव का कल्याण होने वाला नहीं, इसलिए मेरे को शांति नहीं मिली, कुछ कमी है। गुरुदेव आप बताओ कमी क्या है? बोले जथा धर्म दयाचार था मुनि बर्जा बोले बेटा तुमने तो बहुत कुछ लिखे हो, कैसे पैसा कमाओ, कैसे जगत का धर्म कर्म करो, कैसे स्वर्ग में जाओ, कैसे मुक्ति मिलेगी, तुमने बहुत बहुत कुछ बात तुमने बताई, लेकिन आत्मा का जो परम शांति कैसे मिला है मिले ना ये बात को तुमने नहीं बताया। क्योंकि आत्मा को तभी परम शांति मिलेगी जब ये आत्मा परमात्मा भगवान कृष्ण वासुदेव का भक्ति करे। जब तक जीव प्रभु की भक्ति नहीं करेगी तब तक जीव की कल्याण नहीं। और तुमने जो ग्रंथ रचना की ना ये भविष्य में लगता है सब लड़ाई झगड़ा करेंगे इसको पढ़ करेंगे, क्योंकि अगर कोई शिव पुराण पढ़ ले बोले सत्यम शिवम सुंदरम शंकरी, जो देवी पुराण को पढ़ ले बोले जगदम्बा जगत जननी महा सब कुछ है, जिसमें तुमने ब्रह्मा जी की महिमा गाई बोले ब्रह्मा तो दुनिया को सृष्टि किया वही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, जहां पर तुमने सूर्य की महिमा गाई जिस पुराण में बोले सारा दुनिया को तेज कौन देता है, सूर्य देता है, जहां पर गणेश जी की महिमा गाई बोले सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, लोग है ना ये भ्रमित में पड़ जाएंगे, अभी किस पूजे और किसका छोड़े और क्या क्या।
बाद में सब लड़ाई झगड़ा करेंगे, भ्रमित हो जाएंगे सबके सब। देख बेटा, जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, इसलिए जीव का जो परम कर्तव्य भगवान ईश्वर की भक्ति करना ही जीव का ये परम कर्तव्य है। इसलिए बेटा, जब तक भगवान बांके बिहारी को जीव भक्ति नहीं करता है, तब तक जीव का कल्याण नहीं। आप देखना, भले ही जिंदगी में जिसको पूजा करना कर ले, जिसको उपासना करना कर दो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलेंगे? वही बोलेंगे, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले इनके बगैर तुमने जो कुछ किया बोले झूठे में बिताया, और तुमने कुछ भी नहीं किया, तेरे साथ में राम नाम कृष्ण नाम जो किया तेरे साथ में केवल वही जा रही है। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अभी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना करो, इधर उधर किसी देवा देवी का नाम मत लेना, केवल भगवान की शुद्ध भक्त और उनकी कथा, ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश महाराज है, गोपियों की कथा, ब्रजवासियों की कथा, शुद्ध रूप में भगवान और उनकी भक्त की कथा सुनाओ, इसमें परम शांति मिलेगा। लेकिन तुमने क्या बताया? अरे बचपन से भजन करने का क्या जरूरत है? जब रिटायर्ड लाइफ भी हो जाएगा ना, जब किसी काम की तुम नहीं रह जाओगे, एक दो माला जब भी कर लेना, ये बचपन से भक्ति करने का क्या जरूरत है? बोले बेटा, ये संसार करते करते अभी किसी को अरुचि हुई है? आप देखना, सारा दुनिया की हम सेवा करते हैं, पत्नी का बच्चे को सभी का डंडा पड़ता है पीठ पर, पत्नी गाली देती है, बच्चे गाली देते हैं, सब सारा दुनिया हमें गाली देता है, लेकिन हमारे कभी संसार से अरुचि हुई है? जितना डंडा पड़ता है देखना, उतना ही ज्यादा चुपकते जा रहे हैं, उतना संसार में आसक्ति आसक्ति होती आ रही है, आसक्ति छूटती नहीं जीव को। इसलिए बेटा, ये संसार करते करते किसी की अरुचि कभी नहीं हुई। बेटा आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान दे करके सुने। हरे कृष्ण। बोले एक समय श्री नारद जी सामने आ जाए, मेरे सामने आ गए, एक समय श्री नारद जी इसी मतलब में आए और सबको पास में, अब ध्यान देकर कथा सुनो, ये हमारे बड़े गुरु जी कथा सुनाते थे, इसलिए उन्होंने सब घर घर में गए, सबसे पूछे घर में सब कुशल मंगल है, सबके सब बोले तो कुशल मंगल है, लेकिन उन्होंने जब सही बात पूछा है ना, देखा जगत में कोई भी कुशल मंगल नहीं। नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, देखा ये वैकुंठ एकदम खाली पड़ा हुआ, बोले प्रभु जी, ये संसार में जीव ने दुख कष्ट उठा रहे हैं, प्रभु जी कुछ जीवों को वहां से पकड़ के आओ ना। बोले नारद जी, मैंने 26 बार मैंने अवतार लिया है, ये जीव को कैसे वैकुंठ लेकर के आऊं? लेकिन नारद जी कोई भी आना नहीं चाहते। बोले प्रभु, मेरे को विश्वास नहीं, संसार में सब दुखी दुखी, वैकुंठ मतलब क्या है? जहां पर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं, जहां पर कोई बुढ़ापा नहीं होते हैं, ये वैकुंठ है, और वहां पर सबके सब दुखी दुखी, हम कहते हो कोई भी आना नहीं चाहता है। बोलो मेरे को तो विश्वास नहीं। बोले नारद जी, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, मैं तेरे को दे रहा हूं, इतने जीव ये वैकुंठ आना चाहते हैं, जाओ उनको पकड़ करके वैकुंठ ले आओ। नारद जी बोले, प्रभु आज ही वैकुंठ भर दूंगा, ये वैकुंठ जो खाली है ना, पूरा आज भर दूंगा। उन्होंने वैकुंठ उतरते हुए आए, देखा एक किसान, जेठ की महीना, एकदम चिलचिला ही धूप है, वो खेती कर रहा था, पसीना पसीना बह रहा था। बोले ये जरूर वैकुंठ जाएगा। बोले भैया, ठाकुर जी बोले इतने जीव में उसको वैकुंठ में ले आओ, वैकुंठ चलोगे? बोले अपना रास्ता देख, बोले वैकुंठ चलोगे? अभी मैं खेती कर रहा हूँ, गेहूं होगा, परिवार। बोले वैकुंठ चलो। आगे गए, एक माता जी को देखा पानी भरते हुए। बोले माता जी ठाकुर जी बोले इतने जीव मिले उसको वैकुंठ ले आओ, वैकुंठ चलोगी? बोले अभी अभी मैं रोटी बना करके आई, फिर अभी जा करके पानी लेकर कुएं से, फिर मैं सब्जी बनाऊंगी, परिवार को खिलाऊंगी, और तू बोलते वैकुंठ चलो, अपना रास्ता देख, मेरे पास में समय नहीं। अभी जिसको पूछे ना, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुई। ऐसे भटकते भटकते देखा, एक 80 साल की एक वृद्धा को देखा घर को सामने बैठा हुआ। बोले ये तो जरूर जाएगा।
क्योंकि वृद्ध हो गए हैं, अभी तो कोई काम धाम नहीं। बोले आपका नाम क्या है? बोले कैलाश। बोले वैकुंठ खाली पड़ा हुआ। ठाकुर जी बोले जितने जीव मिले उसको पकड़ करके ले आओ। वैकुंठ चलोगे? बोले जाने का तो इच्छा है। बोले चलो, एक काम बाकी है। बोले क्या है? बोले बेटा की सगाई हो गई, अभी शादी होने वाली, शादी हो जाएगा ना सारे काम से निवृत्ति हो जाएगा, फिर वैकुंठ चलूंगा। नारद जी देखा अभी तक तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं होते थे, कम से कम एक व्यक्ति तो हाँ भरे। नारद तो पीछे पड़े। बोले कब आओ? बोले कुछ दिन बाद में आना। नारद जी आए, बोले क्यों? बेटा का शादी हो गई। बोले बाबा आपका आशीर्वाद से बढ़िया से हो गई। घर जो बहू आई ना, बड़े सुशीला है, बड़े पति पत्नी हैं, जो बड़ी सास ससुर की सेवा करने वाली, बहुत अच्छी बहू। बोले चलो वैकुंठ चलो। बोले देखो, जब बेटे को जन्म देते हैं ना, वो पुत्र को जन्म देने से पुत नाम का नरक से उद्धार होता है, लेकिन अगर नाती पोते को देखा तो मैंने सुना स्वर्ग होता है। मन में कोई इच्छा नहीं। अभी जो बहू गर्भवती, कुछ दिन बाद में कोई एक बेटा जन्म देगा, केवल नाती का मुंह देख करके सीधा वैकुंठ चलूंगा। बोले पहले तो सोच रहा था बेटा का शादी हो जाए, बोले अभी नाती पोते का मुंह देखे, बोले कम से कम तो हाँ भरा। नारद जी कुछ दिन बाद में आकर के देखा वो वहां है ही नहीं। बेटे से पूछा पिताजी कहाँ? बोले क्या बताऊं, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। बोले हे भगवान, इतने कष्ट से एक चेला बनाने जा रहा था, वो चेला भी चल बैठा। लेकिन उन्होंने देखा ये घर से कहीं गया नहीं, जरूर इसी घर में जन्म लिया। क्यों? कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले जम जम व्यापी शरण भाव त्यजंत अंते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। गीता का श्लोक है, कहते हे अर्जुन, जीव अंतिम समय में मरते समय जैसे चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है, उसको ठीक वैसे जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हम आगे कथा सुनेंगे, ये भारत भूमि नाम क्यों पड़ा? ये भरत महाराज कद ऋषभ देव के जो नौ बेटे हुए, पृथ्वी का नौ भाग कर दिए, बड़ा बेटा का ईसा में ये भारत भूमि खंड पड़ा, इसलिए उनका नाम था भरत। इसलिए उनका नाम से हमारे देश का नाम पड़ गया, भरत नाम पड़ा। हम आगे सुनेंगे वो कैसे हिरण की चिंतन करते करते शरीर छोड़े, तो वो हिरण जन्म में गए थे। आगे ये कथा हम आज आप श्रवण करोगे। इसलिए देखा ये कहीं नहीं गया, ये घर में है। ध्यान लगाया वो गया कहाँ? देखा घर में कुत्ता बंद करके आया। बोले क्यों नारद, क्यों कैलाश? अभी तो घर का कुत्ता बन गया, अरे अभी तो चल वैकुंठ। बोले गुरु जी, ये जितने ये प्रॉपर्टी देख रहे हो, ध्यान देकर सुनो, बड़ी शिक्षा की बात है इसमें। बोले ये जितने जमीनी जगह तो प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये मैंने कमाया, लेकिन मेरे को पता, मैं इतनी कष्ट करके ये प्रॉपर्टी को मैं कमाया। ये नालायक बच्चा, ये रात को सो जाता है, कौन आकर के क्या उठा करके ले जाएगा, उसको ध्यान नहीं रहता है। इसलिए रात भर में भोग करते करते मैं रात भर में पहरादारी देता हूँ। बोले हे भगवान, कितने आसक्ति। बोले कब चलोगे? बोले नारद जी, ये थोड़ा होनहार बन जाए, फिर तो मैं चलूंगा। कुछ दिन बाद में फिर नारद जी आए, देखा कुत्ता भी नहीं। बोले बेटा तेरे घर में कुत्ता गया कहाँ? बोले क्या बताऊं, इतना अच्छा कुत्ता था गुरु जी, हम तो निश्चिंत होकर सो जाते थे, कोई हमारी चिंता, कोई भी यहाँ से एक घास भी कोई हार नहीं देख सकता था, इतने अच्छा कुत्ता था। बोले फिर बोले शरीर छोड़ दिया, देखा ये घर से कहीं नहीं गया, देखा घर में बैल बन कर गया, खेती करता है। नारद जी बोले तू अभी बैल बन गया, भजन नहीं करोगे बेटा? बोले गुरु जी, ये जितनी जमीन देख रहे हो ना, मैंने कमाया, ये थोड़ी सी तो खेती करता है, सब छोड़ देता है, लेकिन कितने कष्ट कर कमाया ये मेरे को पता है, इसलिए मेरे उसको जोर जबरदस्ती लेकर खेती करवाना पड़ता है। बोले बेटा कब चलोगे? बोले गुरु जी, बच्चा थोड़ी सी और समझदार बन जाए। नारद जी चले जाते हैं, कुछ दिन बाद में फिर आए, उन्होंने देखा बैल है नहीं। बोले बैल कहाँ गया? बोले गुरु जी, इतना सुंदर बैल था, मेरे मन में काम करने की इच्छा नहीं होने पर ये जोर
और जबरदस्ती करवा दो। तुम उसको पिताजी था ना, हैं? उसने कमाया ये जमीन को, कहीं गया कहा, यहीं पर जरूर। आपको पता होगा पहले पहले लोग क्या करते थे, मिट्टी को नीचे कलसी को अंदर में सोने चांदी को गाड़ देते थे, चोरी नहीं हो जाए। लेकिन उन्होंने गाड़ रखा था, लेकिन उनको ही केवल पता था और किसी को पता ही नहीं था कहां पर हमने गाड़ कर रखा। उसको ऊपर में एक काला सर्प बन करके बैठा हुआ, कोई भी आए ना उसको फटने नहीं देता है। उन्होंने बोले बेटा तेरे पिताजी एक कलसी में सोने चांदी को घर में गाड़ कर गए बगीचा में, लेकिन उसको पर एक काला सर्प बैठा हुआ। नारद जी ने देखा जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ना ठंडा नहीं होगा, इसका पीछे मैंने 3 जन्म तक मैंने भटक गया है, अभी भी इसकी चेतनता नहीं आ रही है। बोले बेटा आगे डंडा लेकर क्या, एक सर्प बैठा हुआ उसको मारना नहीं केवल उसको कमर को तोड़ देना। बच्चा तो बड़ा खुश हो गया, पिताजी इतने संपत्ति रख कर गए पता नहीं था। उतने डंडा लाया और पिताजी की कमर में मारते ही कमर उसकी टूट गई। टूट गई तो बोले फेंक दो उसको, बोले खोदो। खोदा तो सचमुच से वो कलश निकली, बस उसमें सोने चांदी थी। बड़ा प्रसन्न हो गया, लेकिन वो सांप आंख फाड़ फाड़ करके देख रहा था। क्यों? उसके प्रति उसकी आसक्ति बनी हुई थी। बोले उसको तू लेकर चले जा। बोले क्यों कैलाश भजन करोगे? बोले गुरुजी अपना बेटा ही मेरा कमर तोड़ दिया जिसके लिए मैंने 3 जन्म भटका, अब मैं भजन करूंगा। देखो ध्यान देकर सुनना, आपको लगेगा अरे सब गए हैं। मैं आपका एक चीज दिखाऊंगा। मैं कुछ दिन पहले कथा करने के लिए गया था झाड़ग्राम, नाम सुने होंगे। मैं जब ये कथा कर रहा था एक व्यक्ति ने एक न्यूज पेपर ला करके दिया, एक उन्होंने एक न्यूज पेपर ला करके दिया और न्यूज पेपर में उन्होंने मेरे को दिखाया वो गांव का नाम है, उसमें वो गांव का नाम है। बोले एक घर का भित्ति खनन कर रहे थे फावड़ा से, हठात झन करके आवाज हुई। जब आवाज हुई देखा भाई आवाज क्या हो रही, देखा दो कलसी है उसको अंदर में सोने चांदी की मोहर उसका अंदर में, और दो जहरीले सर्प वो कलसी को ऊपर में लपट करके बैठे हुए, किसको भटक नहीं दे रहे पास में। इतने में पुलिस में खड़ हो गया, वो भित्ति खनन करते करते दो यहाँ पर दो कलसी निकली है और दो कलसी में उसमें सोने चांदी की मोहर है और दो जहरीले सर्प उसको रखा कर रहे हैं। वो किसी तरह से वो कलसी छोड़ना नहीं चाह रहे। इतने में पुलिस लोग आ गए, उसको जब्त कर लिया और जो जो जहरीले सर्प थे ना उन्होंने बोरी में भर लिया, उसको 3 किलोमीटर दूर में छोड़ करके आए। लेकिन देखा आधा घंटा को अंदर में वो जो जहरीले 3 किलोमीटर में छोड़ करके आए, देखा आधा घंटा में वो दो सर्प वहीं पर घूम रहे। वो किसी तरह से वो कलसी को छोड़ना नहीं चाह रहे, उसको रखवाल कर रहे थे। आपको मैंने इसमें फट खेच कर लाया हूँ, आपको कथा के बाद में आपका हम दिखाऊंगा। तो बंगला भाषा में लिखा हुआ है और कलसी उसमें है और कौन सा जो सोने चांदी की जो उसमें जो मोहर है, कौन सा रानी उसी समय कौन सा रानी का छाप है, वो डिटेल रूप में दी हुई है। अब जब कथा खत्म हो जाएगी ना हम लोग आना, आपको पढ़ा करके मैं दिखाऊंगा वो पूरा डिटेल स्वरूप, वो न्यूज पेपर मैंने फोटो खींच कर दिखा उसमें। इसलिए आप इसको गप्पे मत मानो, ये जीव जन्म जन्मांतर आसक्ति में कैसे भटकते रहते हैं। कृष्ण गीता में ये बात को स्वयं कहते हैं, भागवत में इसलिए भरत का नाम आता है। उन्होंने हिरण की चिंता करते करते मरे तो अगले जीवन में हिरण बन करके आए। ये आसक्ति इतने जोर जबरदस्त था। प्रश्न है हम ऐसे क्या काम करें, संसार में रहे संसार में हम रहे लेकिन ये आसक्ति हमें रहे, आसक्ति रहेगी तुम्हारी लेकिन ये बंधन नहीं होगा, ऐसे कौन सा उपाय? तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले हे अर्जुन जत करोसी जत स्नासी जत जोसी ददासी जत जत तपससी कौन्ते तद कुरु समदर्पण। कृष्ण कहते हैं अगर पूरा तुम्हारी जो परिवार है, अगर भक्त का परिवार हो जाए, सबके सब घर में भजन करें, गले में कंठी पहने, तिलक लगाए,
घर में सबके सब ठाकुर जी के नाम जप करें, हैं, घर का पूरा परिवार भक्त परिवार हो जाए। जैसे आप देखना अंतिम समय में जब मरता है, आप देखे होंगे जो व्यक्ति मरता है ना, पूरा परिवार घिरा हुआ रहता है। दामाद कहता है, ससुर जी मेरे को पहचान रहे हो, मैं आपकी बड़ा दामाद हूँ। पिताजी आँख खोल कर देखते हैं। बेटी कहती है, पिताजी मैं आपको छोटी बेटी हूँ, ऐसे आँख खोल कर देखते हैं। नाती कहता है, मैं आप देखना वो अंतिम समय में सबको याद करते करते देखते देखते अंतिम श्वास को त्याग करता है। भागवत कहता है, मरण जामति सागति, मरते समय जैसे सोच सोच करके मरोगे गति भी वैसे ही होगी। हैं, अगर घर में भक्ति करते, कंठी तिलक लगाए, हरिनाम करते, भजन करते घर में सब, अगर उसी संसार में तुम्हारी पूर्ण आसक्ति हो, लेकिन अगर उनको याद करते करते मरोगे ना, सीधा वैकुंठ जाओगे, सीधा वैकुंठ जाओगे। क्यों? घर में सबके सब भजन कर रहे हैं, कंठी माला तिलक हैं, वो सबके सब भक्त हैं, भजन कर रहे हैं, इनके प्रति आसक्ति बंधन नहीं बनेगा। इसलिए ब्रह्मा कहते, तब तक ये संसार बंधन का कारण बनता जब तक ठाकुर जी की चरण में शरणागत नहीं होते हो। जब ठाकुर जी की चरण में शरणागत हो गए ना, कभी तुम्हारे घर नहीं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जिस घर में सबके सब भगवान की भक्ति पूजा पाठ करे, कह दो घर नहीं वही वृंदावन है। तुम्हारे घर नहीं तो घर तुम्हारी वृंदावन। क्यों? ठाकुर की सेवा पूजा भक्ति कीर्तन घर में सत्संग होती है, ठीक है ना। इसलिए घर का परिवेश को ऐसे बनाओ, घर में कोई भी गंदी चीज नहीं खाए, शराब नहीं पिए, जुआ नहीं खेले, मांस मछली नहीं हो, ठाकुर को सेवा हो, जो खाते हो ठाकुर जी की भोग लगे, सवेरे बैठ करके ठाकुर जी का नाम जप करो, घर में कीर्तन करो, बस वही तो वृंदावन है, वही तो घर तो वृंदावन है ना। इसलिए घर को वृंदावन की परिवेश देनी चाहिए, ठीक है। एक बार हाथ उठा के सबके सब बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री व्यास देव जी, श्री नारद जी कहे थे, व्यास अगर शांति सुख पाना चाहे तो भागवत ग्रंथ रचना करो, इससे तुम्हारी शांति सुख होगी। नारद जी ने अपना कथा सुना है, देखो मैं इतना बड़ा संत जगत में कैसे बन गया, पर किसी गरीब घर में मेरा जन्म हुआ, माँ भी बड़ी गरीब थी। एक दिन ही हमारे गांव में चातुर्मास्य में कुछ संत लोग आए, उनके खाना नाना शुरू हो गया। मेरी मैया ने देखा, अगर मैं थोड़ी संतों की सेवा कर दूं फिर क्या होगा, अरे मेरे को खाना मिल जाए, मेरे बच्चों को भी खाना मिलेगा। मेरी मैया जाकर के संतों की सेवा करने लगी। जब मैया जाकर संत सेवा करेगी, फिर बच्चा क्या करेगा, वो भी संतों की सेवा वो भी करना शुरू कर देगा। इसलिए देखो हर पिता माता चाहते हैं मेरा बेटा अच्छा बने, सब चाहते कि नहीं, लेकिन बेटा अच्छा कब बनेगा, जब हम के संग लागे तेरी अच्छी नहीं, तभी बेटा अच्छे बनेंगे, जब हम संतों की हम संग करें। तभी नारद जी करें, मेरे कैसे भक्ति की रंग खिल जाएगी, मैया कैसे संत सेवा कर रही थी, मैं भी संत सेवा करना शुरू कर दी है। और संतों की कथा सुनते सुनते धीरे धीरे रंग में ऊपर चढ़ना शुरू हुई। जब भी मैं 5 साल का था, लेकिन बच्चे खेलते कैसे नहीं, जब संत हरी चर्चा करे, हरी कीर्तन करे, मैं भी बैठ के ताली बजा के ठाकुर कीर्तन करता था। एक दिन संत लोगों ने कथा सुनाई, अगर भक्ति बनाना
जो दीन जी जल्दी से जल्दी जी ने आप एक संतुकार करना भूली उसका जनाम रिता और तीसरा जनाम की तरह दीन जी जल्दी से जल्दी बना करती हैं एक समय उसका पाए और छोड़ के मैं संतों का आदेश लिया आपका पाहिए प्रसाद ले सकता हूँ संतों सेवा करता था संतों के प्रसाद देख बेटा प्रसाद हो कैसे बेटा तेरे को मैं सच सुना रहा हूँ एक बार जब संतों मैंने प्रसाद लिया हृदय पवित्र हो गया हृदय में प्रभु का प्रति प्रेम प्रकट हो गया अभी चातुर्मास खत्म होते ही संत लोगों को जाने के लिए तैयारी की मैं जाने के लिए तैयारी हुआ लेकिन मैं माँ का बेटा था मैया मेरे को जाने नहीं दी संतों लोग आते समय मेरे को एक मंत्र देकर गए बोले बेटा ये मंत्र को तू धीरे धीरे ये मंत्र को तू जप करते रहना एक दिन मेरी मैया शाम का समय में गो दोहन करने के गई थी एक जहरीले सर्प पड़ते ही उसको वहीं पर काट दी मेरी शरीर छोड़ दी मैंने कहा तो कोई मना नहीं कर सकते है फिर मैंने भजन करने के लिए चल पड़ा मैंने भगवान ने बड़ी परीक्षा की जब मैंने थोड़ी दूर गया दो से जिनके पास खास संपत्ति की मालिक लेकिन घर में कोई संतान नहीं मैंने देखा इतना छोटा बच्चा बोले बेटा एक बार अपना पिता माता बोल दो हमारी जितने जमीन जगह संपत्ति का तुम मालिक बन जाओगे बोले गोद में बैठूंगा तो बोले ठाकुर जी गोद में आपका गोद में नहीं बैठूंगा मोहत त्याग दिया आगे गया राजा राजा में राजा नहीं था वो हाथी सोने कल से घूम रहा था पर पानी डालेगा राजा बनेगा मेरे सर पर डाल दिया सब मेरे को मैंने वो मैंने चखिया आगे चा सोनी खान हमने देखी मैंने डाल दी कहते हैं ना जा प्रतिभा हरि की होई ता प्रतिभा करे सब कोई मैंने घोर जंगल में प्रवेश किया और वहां पर बड़ा सुंदर सरोवर सुंदर कमल फूल खिले गए दुई बेली सुंदर सुगंध थी मैंने पेट भर करके पानी पिया संतों को पास जो मिला था मैं बैठ करके धीरे धीरे ये मंत्र में जप करना शुरू किया और मंत्र जप करते मेरा मन एकाग्र हो गया